नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं YouTube चैनल एस्ट्रो कमल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीपावली आ रही है, एस्ट्रो कमल की तरफ से, अलौकिक साधना एक और चैनल है हमारा, उसकी तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रहे। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखे और महालक्ष्मी आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी प्रवेश करते रहे। दोस्तों, नरक चतुर्दशी आ रही है। नरक चतुर्दशी के दिन एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आपने कर लिया तो जितनी भी नेगेटिविटी घर में है, जितनी भी नकारात्मकता घर में है, वो तो जाएगी ही जाएगी। अतृप्त आत्माएं यम दीपदान के दिन, अतृप्त आत्माएं जितनी भी है, सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी और एक नया जन्म प्राप्त करेगी। एक जोरदार साधना है, इससे आत्माओं को एक सपोर्ट मिलेगा जिससे वो ऊपर चढ़ने में, क्या होता है बूढ़ा आदमी हो जाता है ना, सीढ़ियां कितनी अच्छी हो तो क्या आदमी बूढ़ा हो। एक तरफ से कोई उनके हाथ को पकड़ ले या अपना हाथ उनके कमर में देकर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करे तो उनको सपोर्ट मिल जाता है, फिर वो झट से चढ़ जाते हैं। उसी तरह से आज मैं जो यम दीपदान रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के दिन जो शक्ति बता रहा हूं, वो साधना आपने कर ली तो आपके जो पूर्वज हैं वो पूर्वज उसी समय तत्काल मुक्त हो जाएंगे और आपको अतृप्त आत्माओं के कारण कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और अतृप्त आत्माएं आपके ही पूर्वजों की आपके घर में हो जरूरी नहीं है, किसी के भी पूर्वजों की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो वो सारी की सारी अतृप्त आत्माएं थोड़ी सी मेहनत से चली जाएगी। दोस्तों, ये जो चीज है ये इतनी ऊंची है कि इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और इतनी ऊंची है कि ये आपको आम जगह नहीं मिल सकती, ये भगवत कृपा से आपके पास आई है। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको क्या करना है, दीपावली के एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी आती है उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको कुमार की मिट्टी लेनी है और कुमार की मिट्टी से कच्ची मिट्टी का दीपक बनाना। देखो, कुमार जो मिट्टी बना मिट्टी के दीपक बनाता है ना, तो वो तो पक्का पकाया दीपक आ जाता है। आपको पक्का पकाया दीपक नहीं लेना, उसके पहले दीपक बना करके तैयार रखना। दीपक अपने हाथ से जैसे भी आपको बनाना आता है वैसे बना लेना, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो गेहूं के आटे, बेसन और दूसरा कोई भी आटा, बाजरे का आटा, इन तीन आटों को मिला करके एक दीपक बनाना है। बाकी दूसरे आटे थोड़े थोड़े ले लेना, लेकिन गेहूं का आटा ज्यादा लेंगे तो दीपक बन जाए। दीपक थोड़ा सा बड़ा सा बनाना ताकि पूरी रात चल सके, और थोड़ा पानी कम डालना ताकि वो एकदम फैल नहीं जाए ऐसे। अब उसमें क्या, कटेरी की जड़ लानी है आपको, भाट कटैया जिसको कटेरी बोलते हैं, और ये प्रेतात्माओं को, देव प्रेतात्माओं को आकर्षित करके नया जन्म देने में ये पौधा बहुत सक्षम, इसमें बहुत शक्ति है। इसकी जड़ अगर आप लेकर के आ गए और इसकी जड़ के ऊपर रुई की बत्ती बना करके लपेट दिया, इस रुई से इसको लपेट दिया, इसकी जो जड़ है उसकी ही बत्ती बना ली आपने, उसकी बत्ती बना करके वो बत्ती आपको तिल का तेल भर करके और एक मुट्ठी जौ का आपको क्या करना है, घर की जो दक्षिण साइड है ना, नेतृत्व साइड, दक्षिण साइड, पश्चिम दक्षिण कॉर्नर हो वो, या फिर मूल दक्षिण दिशा हो, साउथ डायरेक्शन हो, साउथ डायरेक्शन में एक मुट्ठी जौ रख करके, जौ के ऊपर ये दीपक रख करके, उसमें सरसों का मीठे तेल का मीठा तेल भर करके उसके अंदर ये बाती लगा करके, भाट कटैया की, कटेरी की, और इसको जला दें, प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित कब करें, शाम के समय प्रज्वलित कर दें, तेल इतना भरे कि जितना ज्यादा देर तक ये चल सके। अब वहां एक देवताओं से प्रार्थना कर ले कि हे यम भगवान, हमारे घर के जो भी अतृप्त पितर हैं, अतृप्त आत्माएं, या हमारे घर में जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, उन्हें कृपा करो, आज के दिन उन्हें ले जाओ और उन्हें मुक्ति प्रदान करो। हे यम भगवान, आपके नाम का हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, हम पर कृपा करो। हे यम भगवान, आप बड़े दयालु हो। हे यम भगवान, आप जीवात्मा को ले जाते हो, उसी तरह से अतृप्त आत्माओं को भी ले जाओ। हे यम भगवान, हम पर कृपा करो। ऐसे 8-10 बार बोल देना, 8-10 बार बोल करके वो दीपक प्रज्वलित कर देना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में वो पूरी रात जलता रहे, इस प्रकार से कोई सुविधा रख देना। अब सुबह क्या करना, उस दीपक को लेकर के, जौ को लेकर के,
दीपक हो, जो हो, सारी चीजें हो, सबको उठा करके और किसी कोई कपड़े अपड़े में बांध करके, नहीं तो थैली में डाल करके, नहीं तो किसी में डाल करके उसको ले जा करके किसी नदी में प्रवाहित कर देना। नदी में प्रवाहित करने के साथ ही आपके घर में जो कोई भी पितरात्माएं थी, जो कोई भी अतृप्त आत्माएं थी, एक ही क्षण में सारी चली जाएगी और उसी दिन से आपको सुफल मिलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपका काम धंधा व्यापार रोजगार बिजनेस सब बहुत बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे कि एक ही रात में ये क्या हो गया, इतना बड़ा चमत्कार, इतना गजब का चमत्कार कैसे हो गया। दोस्तों, इस चमत्कार को नमस्कार कीजिएगा और भगवान की दया से यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।